Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. मैं जिंगे बटाटे का कोकनी डिश हल्दोनी। दो चम्मच अदरक लहसुन का पेज है, दो चम्मच मच्छी का मसाला है, एक चम्मच जीरा है, एक चम्मच धनिया है, एक चम्मच नमक है, इसमें से कोथमीर है चॉप करके ली हूँ, इसमें से करी पत्ता डालूंगी और इसमें से तेल डालूंगी दो चम्मच और मेथी दाना आधा चम्मच। ये दो बटाटे छील के काट के ऐसे टुकड़े में ये करी हूँ और ये 100 रुपए का झींगा है, इसको छील के ये करके ली हूँ। हाँ, अच्छा साफ करके नमक लगा के धो के ली हूँ। और ये कोकम की अंगुस्ती बनाई थी आपको दिखाने के लिए, लेकिन वो डिलीट हो गई, इसके लिए मैं अभी कुछ दूसरा कोकम नहीं मिल रहा है तो नहीं बना रही। ये अभी कोकम इसमें डालूंगी, इसमें खट्टास आएगा। और ये 5 टमाटर की प्यूरी और इसमें से पानी लगेगा, वो पानी भी डालूंगी। अभी मैं ये देखो 2 चम्मच तेल डाली, अभी ये तेल गरम हो गया, अभी मेथी दाना डाल रही। मेथी दाने के बाद ये देखो मेथी दाना डाली हूँ, अभी जीरा डाल रही। जीरे के बाद करी पत्ता डालते, ये देखो अभी ये करी पत्ता डाल रही, ये देखो अभी ये भून के हो गया। अभी मैं आलू डाल रही हूँ, दो आलू है काट के छील के लिए। ये देखो अभी ये बटाटा फ्राई हो गया, अभी मैं अदरक लहसुन डाल दी। ये देखो अदरक लहसुन भून के हो गया, अभी मैं सब मसाले डाल दी। ये देखो अच्छा भुनने का मसाले को, हाँ मस्त भुनने के बाद उसमें टमाटर की प्यूरी डालने की है। टमाटर मैंने उबाल के छील के पीसी हूँ। देखो मसाला भून के हो गया, अभी मैं ये टमाटर की प्यूरी डाल दूँ। अभी इसको भुनने के बाद मैं ये डालूंगी झींगा, फिर कोकम डालूंगी। अभी इसको मैं 5 मिनट पकाऊंगी, उसके बाद मैं इसमें झींगे डालूंगी। धनिया डाल दी, ये देखो अभी कोकम भिगा के रखी थी ना, धो के भिगा के रखी थी, ये कोकम डाल दी। ये देखो ये झींगे डाल दी, ये देखो झींगे का हल्दोनी कोकनी डिश है, ये झींगे बटाटे का हल्दोनी बना रही। इसको देखो 5 मिनट पकाने का, अभी झींगे डाली सब डाली, अभी हो गया। अभी मैं तो इसको 5 मिनट पकाऊंगी फिर आपको बताऊंगी। हो गए, अभी देखो झींगे बटाटे की हल्दोनी तैयार है, कोकनी डिश। अभी मैं सब कर रही हूँ, झींगे बटाटे का कोकनी डिश हल्दोनी तैयार है। देखो ऐसा बनाओ, खाओ फिर मुझे बताओ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।